शाबाश शाबाश। अभी वो हरामजादा रवि अपने ट्रैक्टर के साथ इधर से गुजरेगा। ये गड्ढा रवि और उसके ट्रैक्टर की कब्र बन जाएगा। और इसे अच्छी तरह से ढक दें ताकि रास्ता एकदम साफ दिखे, जैसे यहां कुछ हुआ ही नहीं। चलो चलो जल्दी करो, खींचो खींचो, शाबाश शाबाश, संभाल कर। हाँ लाओ ढक दो। गिरते ही होश उड़ गए। अरे बछड़े, देखा हमसे टकराने का हशर। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे तू बचेगा तब ना। ये ले। ये ले। अबे छछूंदर, तू बच के जाएगा कहां। तू गांव वालों के लिए ट्रैक्टर लेकर आया था ना बाबू। देख, मैं तेरे ट्रैक्टर के लिए खालिस पेट्रोल लेकर आया हूं। ना ट्रैक्टर रहेगा ना तू। इस ट्रैक्टर के साथ ही तेरी चिता जलेगी और गांव वालों को खबर तक नहीं होगी बाबू। बड़े अफसोस की बात है बाबू कि तेरी चिता को आग भी मुझे ही देनी पड़ेगी, क्योंकि ना तो तेरी मां का मालूम है और ना ही तेरे बाप का। खोदा है। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है, एक दिन वो खुद खड्डे में गिर जाता है। बस अग्नि के सामने सात फेरे हो गए जजमान, अब आप दोनों जन्म जन्मांतर के लिए एक हो गए। कुआं राजा साहब, पिताजी आओ लाजवंती।
राजवंती, पिताजी के पांव छुओ। रुक जाओ, तुम हमारे पांव छूने के काबिल भी नहीं, और कुंवर आज के बाद तुम भी हमारे नहीं छुओगे। पंडित, यह जानते हुए भी तुमने इनकी शादी की कि हम इस शादी के खिलाफ हैं, और लाला तुम हमारी जिद पे इस शादी में शरीक हुए। हमने तुमसे पहले ही कह दिया था कि हम इस लड़की को अपनी बहू नहीं बनाएंगे जिसके माँ बाप का ही पता नहीं। और मैंने भी कह दिया था इसके बहू बनने का इसके माँ बाप से कोई संबंध नहीं। लेकिन हमसे संबंध है। ठाकुर घराने की बहू बनाने के लिए माँ बाप, हैसियत, नाम, खानदान सब कुछ देखा जाता है। मैंने तुमसे ये भी कहा था कि या तो इस लड़की को चुन लो या मेरी जायदाद, और मैंने ये लड़की चुन ली। तुमने अपने लिए बदनसीबी चुन ली। हम तुमको जायदाद से महरूम करते हैं। तुम कभी ये बात जबान पर भी नहीं लाना कि तुम हमारे बेटे हो। आज के बाद इस गांव में तुम कदम भी नहीं रखोगे। आपका हुक्म सर आंखों पर। चलो लाजवंती। पिताजी लाए मेरे हाथी, घोड़ा, बंदर। आज दुकानें बंद थी बेटे। आज भी दुकानें बंद थी? हाँ बेटे, आज भी दुकानें बंद थी। तुम एक काम करो, अपने दोस्तों के साथ खेलो। अरे छोटू मेरे प्याले बेटे, तू चुप क्यों खड़ा था? तुझे हाथी, घोड़े, शेर नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए? ठीक है, जा खेल तू भी अपने भाई के साथ। अरे लेटी रहो, लेटी रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे क्या हुआ है? जरा सी कमजोरी है। दवाई पी लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। दवाई लाए? नहीं, अकाउंटेंट साहब ने एडवांस नहीं दिया। जेब में सिर्फ 10 ही रुपए थे। पोस्टमैन। किसकी चिट्ठी है? पिताजी की है। इतने साल बाद पता नहीं कैसे याद आ गई उन्हें हम लोगों की। देखते हैं क्या लिखा है इसमें। लिखते हैं, मेरे प्यारे बेटे कुंवर, मौत के बिस्तर पर हूं। जब मौत इंसान की आंखों में आंखें डालती है तो उसे अपना असली रूप नजर आता है। मैं जिंदगी भर झूठे नशे के गुरूर में डूबा रहा। तुम्हारे साथ, अपनी बहू के साथ, अपने पोतों के साथ बहुत जुल्म किया है मैंने। अब यही चाहता हूं कि वसीयतनामा तैयार किया? जी हां, जैसा आपने कहा था वैसे ही किया गया है। सारी जायदाद आपके बेटे और पोतों के नाम कर दी गई है, उसमें बहू का भी हिस्सा। अगर आप कहें तो मैं पढ़ के सुना दूं। जरूरत नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लाओ दस्तखत कर दो। लीजिए राजा साहब, ये लीजिए। कुमार साहब,
आपकी चाल अच्छी तरह समझता हूँ। चाल? ये चाल वाला आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये देखिए वसीयत नामा है, इस पे अदालत की स्टैंप है, गवाहों के दस्तखत है, क्या ये सब झूठ है? दीवान जी, जिस वक्त आपने ये दस्तखत लिए मेरे पिताजी होश में नहीं थे, वो नहीं जानते थे कि इसमें क्या लिखा है। और गांव के बड़े बड़े लोग भी नहीं जानते थे कि इसमें क्या लिखा होगा। ये सब साजिश है आपकी, मेरी विरासत से आपको एक दिन का भी नहीं मिलेगा, मेरा हक मुझे अदालत दिलवाएगी। ये धमकी किसी और को देना, वैसे अगर तुम चाहो तुम्हारे गुजर बसर के लिए मैं थोड़ा बहुत तुम्हें दे दूंगा। मेरे टुकड़ों पर पलने वाले नमक हराम, जिस दिन मुझे तुझसे मांगना पड़े वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तो कुंवर साहब, समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन आन पहुंचा है। बहुत खूब भगेल सिंह। मालिक, आप इधर, मुझे उधर हवेली पर बुला लिया होता। भगेल सिंह, मुझे आना ही पड़ गया, कुंवर अपना हक मांग रहा था, जंगल के रास्ते से वापस जा रहा है। चलो मालिक, उसकी नाल ठोक दें। भगेल सिंह भाई, इनका हक इन्हें दे दो। अपने मालिक हैं, जरा प्यार से। आपकी सारी जायदाद। बेचारा पुरखों की जायदाद मांग रहा था। भगेल सिंह, इसे भी उसी खंडर में दफन कर दो जहां इसके बाप दादाओं की रूहें आबाद हैं। मरने से पहले कुंवर जी एक दफा यहाँ आए जरूर थे, लेकिन राया साहब ने उन्हें धुतकार दिया था और यहाँ से निकाल दिया था। ये क्या कर रहे हैं आप? जो मुझे करना चाहिए। दीवान जी, तुम दीवान नहीं, हमें राजा साहब कहो। इस इलाके के साथ साथ हम इस हवेली के भी मालिक हैं, और हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि चुपचाप चली जाओ यहाँ से, और फिर इस तरफ मुड़कर भी मत देखना। तुम मुझे अपने ही घर से निकाल रहे हो? मैं इस हवेली की बहू हूँ। धक्के मार के निकाल दो बाहर। किसकी हिम्मत है जो मुझे हाथ लगाए? मेरी नजदीक बताना। देख क्या रहे हो, निकाल दो बाहर। दीवान जी ने वो खत फाड़ दिया, मुझे मेरे ही घर से दुत्कार कर निकाल दिया। आप लोग भी बाल बच्चे वाले हैं, मैं आप लोगों से न्याय मांगती हूँ। मेरे पति का कोई पता नहीं, मेरे लिए कोई ठिकाना नहीं। राजा साहब के अकेले वारिस मेरे पति थे, और ये बच्चे उनके वारिस हैं। इन मासूम बच्चों को इनका हक दिलाइए। मुखिया जी,
ये औरत कौन है, कहाँ से आई है और क्या कह रही है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने मैं तो उसे पहली दफा देख रहा हूँ। क्या तुमने मुझे इस गांव के शिव मंदिर में नहीं देखा था जहाँ मेरा लगन हुआ था? और पुजारी जी, क्या आपने मेरा कुंवर जी से लगन नहीं कराया था? बेटी, मैंने तुम्हारा लगन कब कराया था? मैं भी तो तुम्हें आज पहली बार देख रहा हूँ। पुजारी जी, आप धर्म की रक्षा करते हो और इतना बड़ा अधर्म कर रहे हो। लाला जी, आप तो वहां थे। मैं कहां था, मैं तो आपके पहली बार दर्शन कर रहा हूं। क्या आप भी वहां नहीं थे? हाँ हाँ, मैंने भी तुम्हें आज पहली बार देखा है। तुम सब झूठ बोल रहे हो। इतने बड़े बड़े लोग झूठ क्यों बोलेंगे? तुम बेकार का दोष दे रही हो। मैं इन बच्चों की कसम खाती हूँ, ये बच्चे कुंवर जी के हैं। जब लगन ही नहीं हुआ तो बच्चे कैसे हरामी होंगे? मुखिया जी, मुझे तो औरत बड़ी चालाक लगती है। इसे पता चल गया है कि बड़े राजा साहब गुजर गए हैं और बेचारे कुंवर साहब का पता नहीं, इसने दो बच्चे पकड़ लिए किसी के और अपना हक जमाने के लिए यहाँ चली आई है। ये कोई चरित्रहीन औरत है मुखिया जी। इस कलंकनी को यहाँ से निकाल देना चाहिए, नहीं तो सारे गाँव की बहू बेटियाँ खराब हो जाएंगी। बहू बेटियों वालों, भगवान से डरो। भगवान न करे तुम्हारी बहू बेटियों पे ये वक्त आए। इन पे तरस खाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इन मासूम बच्चों को अपना हक दिला दो। जी की पत्नी ही नहीं तो इन बच्चों का हक क्या हुआ? हमारा फैसला है कि तुम्हें हक मांगने का कोई हक नहीं। मुखिया जी, आपकी जुबान नहीं है, धर्म कांटा है, धर्म कांटा। क्या इंसाफ किया है आपने? चलो भाई, फैसला हो गया, चलो उठो, चलो उठो, चलो उठो। तुम लोगों ने अपना फैसला सुना दिया, अभी ऊपर वाले का फैसला बाकी है, वो सब देख रहा है। तुमने एक बेबस बेसहारा औरत का हक छीना है, अत्याचार किया है इन बेजुबानों पर। भगवान की मार पड़ेगी तुम पर, सर्वनाश हो जाएगा सबका। भूख लगी है, इसे दूध चाहिए। भूख तुझे भी तो लगी होगी ना बेटे, तो इसके पास बैठ, मैं तुम दोनों के लिए खाना लेके आती हूँ। मैं भी साथ चलूंगा, छोटे को गोद में उठा लूंगा। इसे बुखार है बेटे, तू इसे संभाल ले, और भीगेगा तो निमोनिया हो जाएगा। इसका ख्याल रख। भगवान, इन्हें तेरे हवाले करके जा रही हूँ। इसे संभालना बेटे। जय भोलेनाथ। आपने हमारी सलामी का जवाब कहाँ? उधर। ये लो पेशगी तनख्वाह। कल से काम पे आ जाऊंगी सेठ, भगवान आपका भला करे। मैं फल भगवान से नहीं लेता, तू ही दे जा। मेरा हाथ छोड़ दे सेठ। छोटे मत रो, मां भी आ जाएगी। छोटे मत रो, मां भी दूध लाएगी। अरे बेटे, बहुत रात हो गई, कब आएगी तुम्हारी माँ? इसे तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, कहाँ जा रहे शंकर? मुझे चाचा, तुम इसे संभालो, मैं माँ को लेके अभी आता हूँ। अरे रुक जाओ बेटे, बाहर बहुत तेज तूफान चल रहा है। शंकर! ये तो बेहोश हो गया, यहाँ नजदीक अस्पताल है। उस्ताद, अस्पताल तो बहुत दूर है। जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो, चल चल चल। भगवान,
ये किस संकट में डाल दिया है तूने मुझे? ये कैसी अमानत सौंपती है? किसे लौटाऊंगी अमानत? ना अभी तक इसकी माँ आई है और ना इसका भाई, और इसका भार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी हालत में इसे कहाँ ले जाऊं? किसी डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा।
गड्डी जांदी ए चलांगा मार दी, गड्डी जांदी ए चलांगा मार दी। वाह क्या स्पीड है उस्ताद, तुसी ट्रक चला रहे हो या हवाई जहाज, तुसी तो बड़े उस्ताद से भी तेज चला रहे हो। अरे उसके जैसा फर्स्ट क्लास ड्राइवर ऑल इंडिया में कोई नहीं था, उनके जैसा दारू पीने वाला भी ऑल इंडिया में कोई नहीं था। अरे दाद मरे हुए आदमी की बदनामी करता है। अरे बाबूजी का नाम ले लिया तूने, अब तो साला दारू पीना पड़ेगा, निकाल दारू। वाह उस्ताद, कहते हैं पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, हाँ बहाना चाहिए। चुप साला गधा, गधा नहीं गैंडा, बचाओ। उस्ताद तुसी इतनी तेज क्यों जा रहे हो, क्या किसी की अर्थी उठने वाली है? ना जाने आज कितनी अर्थियां उठने वाली हैं। याद है गुलाब ने क्या कहा था? क्या कहा था? अगर 6:30 बजे तक नहीं आओगे तो पानी में छलांग लगाकर मर जाऊंगी, और मैं उसे मरने नहीं दूंगा। ए गुलाबो, ए गुलाबो, अरे गुलाबो मेरी बात तो सुन। अरे देख मैं आ गया हूं। ए गुलाबो, ए बात तो सुन। देखता हूं उस्ताद इश्क में कौन कौन से गियर बदलता है। सांस रुक रहा है, मैं इसे अपना बेशरम छूटा तकबस, मेरी कसम तोड़ के दारू पीता है। अरे तू तो बेहोश से जिंदा कैसे हो गई? लेकिन सुन तो सही, मैं दारू क्यों पी रहा था, मेरी बात तो सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुझसे बात नहीं करना है, तेरी शक्ल नहीं देखना है, तू मेरा कोई नहीं है, मैं तेरी कोई नहीं हूँ। अरे सुन तो सही, अरे मेरी बात तो सुन, जा जा जा। अरे कहाँ जाएगी, लौट के आएगी। हाँ न पाएगी जहाँ भी तू जाएगी, सोच ले फिर एक बार, अब तू छोड़ दे ये तकरार, अब तू छोड़ दे ये तकरार। दिल का लगाना अपना बनाना, तू क्या जाने प्यार, तेरा दिल है पत्थर यार, तेरा दिल है पत्थर यार। हम तन पाएगी भी तू जाएगी, सोच ले फिर एक बार, अब तू छोड़ दे ये तकरार, अब तू छोड़ दे ये तकरार। एक बार अगर तू हंस दे पत्थर ये पिघल जाएगा, एक बार अगर तू हंस दे पत्थर ये पिघल जाएगा, तेरे पहलू में ये परवाना तेरी आग में जल जाएगा। प्यार से मिलना प्यार में जलना, जाने वही दिलदार जिसने मान ली अपनी हार, जिसने मान ली अपनी हार। हम तन पाएगी जहाँ भी तू जाएगी, सोच ले फिर एक बार, अब तू छोड़ दे ये तकरार, अब तू छोड़ दे ये तकरार।
आंखों से पिला दे, मस्त बना दे, हंस दे मेरी सरकार। हुई मैं मर गई मेरे यार, हुई मैं मर गई मेरे यार। हम सन पाएगी जहां भी तू जाएगी, सोच ले फिर एक बार। अब तू छोड़ दे ये तकरार, अब तू छोड़ दे ये तकरार। जिनाबाद, बेट अंदर, पांव जुड़े हुए। अबाउट टर्न। कहाँ जा रहे थे बरखुरदार? कॉलेज। कॉलेज छोड़े हुए तो जमाना हो गया, कौन से कॉलेज जा रहे थे? गर्ल्स कॉलेज। लड़कियों के कॉलेज में ट्यूशन देने जा रहा था। ट्यूशन कैसी है जी? स्मार्ट है, खूबसूरत है? मुंह से बोलो। ट्यूशन खूबसूरत है, स्मार्ट है, वक्त की बहुत पाबंद है, 4 बजे नहीं पहुंचा तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा। वेरी गुड, इट इज। थैंक यू। जाओ जवान, ड्यूटी इज ड्यूटी। ठहरो। अब क्या हुआ? बलखुदा, जब जवान मैदान जंग में जाता है तो उसे कील कांटे से लैस होकर जाना चाहिए। मेरे कील कांटे सब सही है। नहीं नहीं जवान, अभी पूरी तैयारी पे नहीं है। तो फिर? अभी बताता हूँ। बलखुदा, हमारे तजुर्बे का फायदा उठाओ। काम आएगा। चाओ। थैंक यू। अब जाओ। चाओ। बेस्ट ऑफ लक। कितने बजे मिलने का वादा है? और मिलने के बाद दोनों का क्या इरादा है? प्लीज मुझे जाने दो ना। नहीं जाने देंगे, हम सबको जलन हो रही है। अरे वाह, यहाँ हम बैठी मक्खियाँ मारे और वहाँ तुम। ओह शट अप, मैं यहाँ से जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। हाँ अच्छा, मैडम रीता जा रही है। हाँ, चिल्लाओ चिल्लाओ, मैडम तो बैरी है, वो तुमको नहीं सुन सकती। अरे तुम सबका मैं खून करके भी जाऊंगी ना, तब भी उसे पता नहीं चलेगा। हाँ किसका खून हो रहा है? कुछ नहीं मैडम, हम लोग ऐसे आपस में मजाक कर रहे थे। हाँ मजाक, और वो भी सीढ़ियों पर इस वक्त। चलो पर। और तुम सबसे पहले ऊपर चलो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। चलो जल्दी, चलो चलो जल्दी, सबके सब ऊपर चलो। रोको रोको, हटपटी बाबू रोको। रुक जाओ बाबूजी, रुक जाओ। क्या हुआ? बड़ी मुसीबत है बाबूजी, अगर आपने साड़ी मदद नहीं की तो 20 तारीख में साड़ी जान चली जाएगी। ऐसी क्या बात है? बताता हूँ। माचिस है आपके पास? माचिस? इडियट, मैं तेरी जान ले लूंगा। उस्ताद बचाओ, उस्ताद बचाओ, उस्ताद बचाओ, 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 बचाओ। बाबू इसे छोड़ दो, मैंने ही कहा था रोकने के लिए। लेकिन क्यों, ये कटोर नया लाना है, जरा बाजार तक ले चलोगे? चलो बैठो। चला रहा है? उस्ताद जल्दी आना। क्यों बाबू, बहुत जल्दी में हो? माशूक से मिलने जा रहे हो? नहीं, माशूक मुझसे मिलने आ रहा है। अब क्या होगा, वो वहाँ बेचैन होगा और ये मैडम यहाँ चैन से खजाने की सांप की तरह बैठी है। चनीमन, अगर तुम कहो तो अपनी जान पर खेलकर भी तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दे। ए, अगर तुम सब मेरा साथ दो तो हम एक तरकीब लड़ाते। उतर, उतर दी मैडम, इस तरह। हाँ,
लोगों को चूहा मालूम है, चूहे का नाम नहीं मालूम। तो मुझे भी चकमा देकर चली गई है, बात यहाँ तक पहुँच गई है। अखियों ही अखियों में, अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, बात यहाँ तक पहुँची। मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया, मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया। अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया, मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया। ये तो कब का सोचा है, अब सोच जरा कुछ आगे, मेरा दिल तो लगा मचलने जिसमें कई अरमां जागे। अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, बात यहाँ तक पहुँची। मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया, मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच क्या। पहलू में और छोड़ ये रस्में कस्में, कहते हैं जवानी में दिल रहता नहीं अपने बस में। तेरी मेरी बात चली, अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया, मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया। अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात चली, बात यहाँ तक पहुँची। मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया, मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया। खत्म कर लूं, फिर कभी नहीं पीऊंगा। पापू तुझे मेरी कसम। अरे तेरी कसम तोड़ के तो और लोग भी पी लेते हैं, लेकिन उनका क्या होगा गुलाबो? फेरू कौन बे? तेरा बाप। देख बे गोचू, मेरे और गुलाबो के बीच में आया ना तो टाकी में पेट्रोल डालकर माचिस लगा दूंगा। और बेटा मुझसे अकड़ेगा ना तो खाली बोतल की तरह चकनाचूर करके रख दूंगा।
देखा फाड़ कर किस तरह गले में डाल देते हैं। इंस्पेक्टर हम तो पंजा लड़ा रहे थे। क्यों शेरू? यस इंस्पेक्टर साहब, मजाक में है ना। मजाक में बोलता है शंकर, साहब से कह देना ये गुंडा हमेशा यहाँ दंगा करता है। यहाँ कौन दंगा करता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। शंकर तुम्हारी स्पीड बहुत तेज होती जा रही है, तुम हद में रहकर गाड़ी चलाओ वरना मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा, समझे? समझ गए। शेरू तुम जाओ, साहब एक नोटक लाऊं। शराब साहब, कुछ चाय ठंडा लाओ। हाँ कुछ चाय ठंडा लाओ। शंकर को ठंडे पानी की जरूरत है, इसे पिला दो। सिर्फ रोटियां ही याद आएंगी ना, मैं याद नहीं आऊंगी। चल निकाल मेरे 16 रुपए। सबसे ज्यादा पैसे तू मुझसे लेती। तू भी तो सबसे ज्यादा है। ओए होए होए, क्यों नाम करती है? 2 रोटियां खाता और पैसे 10 रोटियां की लेती है। ये ले अपने पैसे, बेईमान कहीं। रख अपने पैसे, मुझे नहीं चाहिए। ओहो मर जावा मैं, इसका तो इंजन ही गर्म हो गया है। अरे गुलाबो सुन तो मेरी बात तो सुन। ओहो कितने प्यारे बच्चे हैं, अरे एक की तो शक्ल भी मिलती है तुझसे और दूसरे की तेरे से मिलती है। अरे शादी हुई नहीं और बच्चों की शक्लें मिलाने लग गई। ओहो खोपड़ी में अब बात ही आई, तू बार बार मुझसे क्यों झगड़ा करती है, बार बार तेरा इंजन क्यों गर्म हो जाता है, है? 7 दिन के लिए जा रहा हूँ इसलिए ना अकेली नहीं रह सकेगी हमारे बगैर। हाँ तो फिर आते ही ठीक है, शादी कर लेंगे फिर हो जाएंगे 2-4 बच्चे। फिर से इतने दिन के लिए मुझसे दूर जा रहा है, कसम खा इस बार दारू नहीं पिएगा। खाई कसम नहीं पीऊंगा। अरे अरे आज आपकी गुड लक बहुत अच्छी है फुमान, जानता कितने पैसे मिले? कितने? पूरे 2000। यानी कि टैंक की नोटों से फुल। तो साथ अगर हम पहले से इस रूट पर आते तो आज आप हवाई जहाज चला रहे होते। चल इसी बात पे अपना पेट्रोल निकाल और देख गुलाबों को मत बताना। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस्ताद, अड्डे तक पहुँचते पहुँचते पूरी बोतल अंदर होगी और चेहरे पर लिखा होगा टाइप अजी शेर। नहीं पुमन रहने दे, आज नहीं पीऊंगा, आज गुलाबों को खुश कर देना। क्या हुआ उस्ताद? तुझे भी तो लगी होगी ना बेटे, तो इसके पास बैठ, मैं तुम दोनों के लिए खाना लेके आती हूँ। भगवान इन्हें तेरे हवाले करके जा रही हूँ। क्या देख रहा है? ठीक इसी तरह उस दिन भी देख रहा था जिस दिन मेरी मां और मेरा भाई मुझसे बिछड़ा था। तू तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानता है,
तो फिर मिला देना मुझे मेरी माँ और मेरे भाई से। देख ये जो सर है ना, ये किसी के सामने नहीं झुका, लेकिन वादा करता हूँ जिस दिन मेरी माँ और मेरा भाई मुझसे मिला, ये सर तेरे सामने बार बार झुकेगा, बार बार। सुना है? तू बहुत चक्कर चलाता है, देखना आज कितना बड़ा चक्कर चला दिया, कितने वर्षों के बाद आज मैं फिर इस मंदिर में आया हूं। हाँ, तो ऐसे ही कोई चक्कर चला देना यार, मेरी माँ को मुझसे मिला दे, मिलवा दे। खबरदार किसी ने पत्थर मारा तो क्यों मार रहा है इसे? हमारे हाथ से रोटी छीन के भागती है। तो बेचारी भूखी होगी। भूखी नहीं, पगली है, पगली। अरे तुम तो पागल नहीं हो, ना जाने इसमें क्या बीती होगी जो ये पागल हो गई। आइंदा कभी पत्थर मत मारना, चलो।
बरसों से दिल पे बोझ उठाए ढूंढ रहा हूँ प्यार के साए लहरों की तरह यादें दिल से टकराती है तूफान उठाती है लहरों की तरह यादें दिल से टकराती है तूफान उठाती है लहरों की तरह यादें है? वाह खुश किताई इस तरह सोईया जिस तरह गड्डी दी मालकिन होवे उस्ताद कोई बुढ़िया बगैर नसंग के साड़ी गड्डी में सो रही है ए देखो कर दू इसका चलान नहीं सोने दे से उस्ताद जी आप जी की टैंकी फुल हो गई मन बस करो जी किधरे ओवरफ्लो ना हो जाए आठ साइड दे साइड मेरी बोतल बस, दे तू और नहीं पिएगा हाँ तू कौन होती है मुझे रोकने वाले हाँ चल साइड दे इधर ला मैं तेरी कुछ भी नहीं लगती कुछ नहीं लगती है मेरी कोई नहीं मेरा इस दुनिया में इसलिए तू मेरी कसम खा के भी पीता है ले जितना जी चाहे पी ले पीऊंगा जरूर पीऊंगा मैंने तेरी कसम तोड़ी है ना जा बद्दुआ दे कि मैं मर जाऊं हाँ मैं मर जाऊं जिस दिन मैं तुझे बद्दुआ दूंगी मैं खुद नहीं मर जाऊंगी शंकर तेरा कोई नहीं है मैं जानती हूं लेकिन मेरा भी तेरे सिवा और कोई नहीं है मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती शंकर मैं मर जाऊंगी कोई किसी के लिए नहीं मरता ये झूठ है पूरी दुनिया झूठ बोलती है देख मैं मरा हूं क्या अपनी माँ के बिना अपने भाई के बिना गुलाबो ये दुनिया बड़ी जालिम है इस दुनिया ने मेरी माँ को छीन लिया मेरे भाई को छीन लिया जी चाहता है इस दुनिया में आग लगा दूं चला कर खाक कर दूं इस दुनिया को शंकर हाँ गुलाबो मेरी माँ ने बहुत दुख झेले हैं बहुत जुल्म सहे हैं अगर अगर कहीं मिल जाए तो मैं अपना जीवन देकर भी सेवा करूं उनके चरणों में अपना जीवन बिता दूं कहां है मेरी माँ मैं कहां ढूंढूं उसे और मेरा छोटा भाई न जाने इस वक्त वो कहां होगा छोड़ ना रवि आज स्टार्ट नहीं होगी ओह माँ बुरी हालत हो रही है भूख भी लग रही है चलो ना किसी से लिफ्ट मांगते हैं अच्छा वही बाबू है जिससे हमने माचिस मांगी थी आज ये हमसे माचिस मांगेगा लेकिन उस्ताद उसके साथ एक मलाइकल ढूंढना भी है गड्डी रोक लो आए।
क्यों दोस्त, फटफटिया खराब हो गई क्या? हाँ मशीन है, बिन पूछे बिगड़ गई। अगर तुम मासी से मिलने नहीं जा रहे तो हमें लिफ्ट दे सकते हो? प्लीज वी बी वेरी थैंकफुल। ओ मेंशन इट नॉट। ये वही मासुक है जो मिलने आ रही थी उस दिन तुम्हें? हाँ तुम इसे जानते हो? हाँ सुने हो, असी तो तेनु भी जानने और इसको भी। चला जा, चल जा ट्रक पर। ओ पुमन यस उस्ताद, चल जा फटफटिया रख। अभी रखता हूँ मोती वाली सरकार। ओ बड़ा सोना टूटा, गड्डी की लाइफ बन गई। कुछ भी हो जोड़ी है बहुत सोनी। हाय गुलाबो, तेरे मुलायम हाथों की तरह नरमा नरम है ये रोटियाँ। आय हाय मैं मर जावा, जरा छू के तो देख, गर्मा गर्म भी है मेरे थप्पड़ की तरह। हाय गुलाबो मर जावा, गुलाबों के हाथ थप्पड़ खाने को जी चाहता है, गर्मा गर्म थप्पड़ खाने को जी चाहता है। अरे रोटी चोर, अरे भागती कहाँ चोर, दे रोटियाँ मेरी दे। मेरे बच्चे भूखे, बहुत भूखे। अरे तेरे बच्चों की ऐसी की तैसी, चल दे रोटियाँ मेरी दे, नहीं तो मारूंगा एक रख के। चाहे जितना मार लो पर रोटी नहीं दूंगी, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, बहुत भूखे। तेरे बच्चे भूखे तो मैं क्या करूं, चल दे मेरी रोटी नहीं तो। ए, हाथ उठाए तो चटनी बना दूंगी। तो बोल इसे दे दे मेरी रोटी। नहीं नहीं दूंगी, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, नहीं दूंगी। माँ मैं तेरे बच्चों को रोटी दूंगी, इस कमीने की रोटी से वापस कर दे। नहीं। तेरे बच्चे बहुत भूखे हैं ना? हाँ। मैं उन्हें बहुत सारी रोटी दूंगी, चल दे दे मुझे। हाँ दे दे, मैं तुझे बहुत सारी रोटी दूंगी। हाँ हाँ चल। रोटी दोगी ना? हाँ माँ। रोटी खा ले। मैं नहीं खाऊंगी, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं तेरे बच्चों को भी रोटी दूंगी, पहले तू खा ले। आ मेरे बच्चों के लिए रोटी लाना, मैं फिर खा लूंगी। मेरे दो बेटे हैं, एक बड़ा और एक छोटा। अच्छा मैं लेके आती हूँ। देख माँ, मैं तेरे दोनों बेटों के लिए रोटी लाई हूँ, ये छोटे के लिए है और ये बड़े के लिए। चल अब तो खा ले। अरे ये क्या कर रही है? ये बड़े के लिए है, वो ज्यादा खाता है ना, और छोटे के लिए एक गिलास दूध लाओगी? वो दूध बहुत शौक से पीता है। अच्छा मैं लेके आती हूँ। गुलाबो, ए गुलाबो। हाय मैं मर जावा, तू तो एकदम भीग गया है। अरे मैं तो बहुत कम भीगा हूँ, इसे देख मेरे यार को बिल्कुल कुकर लग रहा है। गुलाबो ये रवि है और ये इसकी लवरीटा। ए ये अंग्रेजी में क्या बोला, ये इसकी पत्नी है क्या? अरे पत्नी से भी ज्यादा है, जैसे तू मेरी है ना वैसे ये इसकी है। देख देख एकदम भीग गए, मैं इसे कपड़े लेता हूँ, तू उसे कपड़े दे दे। हाँ, चलो ये लो। थैंक यू। हाँ? शुक्रिया। वो जो तुम्हारे वो है ना लव, वो तुमसे बहुत प्यार करते होंगे ना? प्यार? अरे छोड़ो, वो तो उठ बैठ करता है, मैं कहती हूँ उठो तो उठता है, मैं कहती हूँ बैठो तो बैठता है। क्यों नहीं, तुम इतनी सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, पर वो मेरा है ना लव शंकर, वो मुझसे उठ बैठ करवाता है, बहुत अकड़बाज है। अरे गुलाबो तू तो बहुत भोली है रे। वो तुमसे अकड़ता नहीं रे, वो तुमको छेड़ता होगा, ये भी प्यार करने का एक ढंग है। रास्ते भर तुम्हारे गुनगा रहा था वो। अरे वाह दूध भी है, तुम्हें कैसे मालूम कि मुझे दूध बहुत पसंद है? अरे गुलाबो
तालिया तूने ऐसे सजाई है, तुझे क्या पता था ये लोग आने वाले? वो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, बिल्कुल सच है। थाली मैंने लगाई किसी और के लिए थी और खा रहे हैं ये दोनों। अरे किसके लिए लगाई थी? एक पगली औरत थी बेचारी, कह रही थी उसके दो बच्चे हैं, भूखे हैं, उनके लिए रोटी चाहिए। बेचारी ने खुद तो कुछ नहीं खाया, मैंने उसके लिए दो थालियां बनाई तो कहने लगी बड़ा ज्यादा खाता है। फिर कहने लगी उसका छोटा दूध बड़े शौक से पीता है। मैं उसके लिए दूध लेने गई तो पता नहीं वो क्यों चले गए। लहरों की तरह यादें दिल से टकराती हैं, तूफान उठाती हैं लहरों। ऐसे क्या बात है शंकर, जब से पगली के बारे में सुना है कुछ परेशान सा हो गया है, अच्छी तरह से खाना भी नहीं खाया। तू दारू पिएगा? मत पी, तू कहता था ना मैं तेरी लव हूं, मेरी बात नहीं मानेगा? वो तेरा छोटा भाई है ना, अपनी लव की कितनी सुनता है। वो कहती है उठ तो उठता है, बैठ तो बैठता है। मत पीना। देख गुलाब मैं बहुत परेशान हूं, मुझे अकेला छोड़ दे, चल हट साइड दे चल।
सीता थी पर आई है रामकली। रामकली नहीं, ये बालिका तो राधिका है। राधिका ये कपड़े किसके हैं? अरे पहनाए किसने? अरे पहनाए उसी ने जिसने उतारे। उतारे किसने? कन्हैया ने। उतारे किसने? कन्हैया ने। उतारे किसने? कन्हैया ने। उतारे। बकवास बंद करो, मेरे कपड़े भीगे थे इसलिए वो। भिगोए किसने? कन्हैया ने। कहाँ भिगोए? यमुना के तट पर। तो तुम लोग सब क्यों जल रही हो? मैं यमुना के तट पर रास रचाने गई थी। कैसे रास रचाई? ठहरो ठहरो मैं बताती हूँ। जब ये अपने वस्त्र तट पर रखकर यमुना जल में उतरी तो कन्हैया को देखकर इसने अपना वस्त्रहीन शरीर पानी में छिपा लिया। यहाँ तक कन्हैया ने इसके वस्त्र तट पर से चुरा लिए। तब ये चिल्लाई, कन्हैया मेरे वस्त्र दे दो, मैं बाहर कैसे आऊँ? तब कन्हैया बोली, ऐसे ही आओ बालिके और ले लो अपने वस्त्र। ये बोली, नहीं नहीं मुझे शर्म आती है, मैं लाज से मर जाऊंगी। तब कन्हैया बोली, नहीं बालिके ऐसे ही आओ और ले लो अपने वस्त्र। तब इसने पानी में से अपने हाथ बाहर किए। यहाँ तक कन्हैया बोली, और बाहर आओ। तब ये बाहर आई। यहाँ तक कन्हैया बोले, और बाहर। तब ये बाहर आई। यहाँ तक कन्हैया बोले, और बाहर। तब ये बाहर निकली। यहाँ तक कन्हैया बोले, बेशर्म बस, और ऊपर नहीं। लाइट्स ऑफ। बहुत अच्छी सर्विस है रीटा, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बहुत खुश हो ना तुम? ये क्या रो रही हो तुम? तुम बहुत दूर जा रहे हो है ना? हाँ। तुम मुझसे भागना चाहते हो है ना? अरे तुम ये क्या कर रही हो? तुम मुझसे बोर हो गए हो है ना? अरे भाई मैं तुमसे बोर क्यों होऊंगा? हाँ गांव में सब अल्लड़ चंचल लड़कियां होंगी है ना? हाँ वो तो है। तुम किसी न किसी के चक्कर में फंस कर मुझे भुला दोगे है ना? अरे बाबा मैं वादा करता हूँ मैं किसी गांव की लड़की की तरफ देखूंगा ही नहीं। गांव क्या, मैं तो शहर की लड़की की तरफ ही नहीं देखूंगा। अब क्या हो गया? मैं भी तो शहर की लड़की हूँ। अरे हाँ देखो रीटा, मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं तुमसे सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, करता रहूंगा जिंदगी भर। बाय गॉड। बाय गॉड। बाय मी। बाय यू। हैप्पी। हाँ चलो। दीनदयाल की नाल तो ठोकी गई है मालिक, अब जल्दी से पहाड़ी के उस पार खेतों का भी फैसला कर दो। कर देंगे भगत सिंह, सब फैसला कर देंगे। नमस्ते जी। नमस्ते। मेरा नाम रवि है। अच्छा अच्छा तो तुम रवि हो, सफर कैसा रहा, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं। भगेल सिंह ये हमारे नए मैनेजर हैं, इन्हें आज ही ले जाकर हमारे खेत जमीन और जंगलात सब कुछ दिखला दो। रवि तुम कुछ थके होगे जरूर, थोड़ा सा आराम कर लेना, लेकिन रात का खाना तुम मेरे साथ खाओगे। अंडरस्टैंड? चलता हूँ। ओके आओ। चलो बैठ जाओ गाड़ी में, मालिक की जायदाद बहुत लंबी चौड़ी है, आओ। गाड़ी रोको। क्या होते हो, ये सूर्यवंशी राजाओं का महल था, यहाँ से 200 कोस तक उनका राज था। बहुत खूबसूरत महल रहा होगा, खंडर कैसे बन गया? 50 साल पहले भौचाल ने नाल ठोक दी इस महल की और आखिर राजा उस छोटी हवेली में आ गया जिसमें अब मालिक रहते हैं। तुम्हारे मालिक क्या
राजाओं के खानदान से हैं। मालिक राजा के दीवान थे, खानदान तो कंवर रतन सिंह के साथ ही खत्म हो गया। ये हर जगह उगते हुए सूरज का निशान कैसा है बाबू? ये बड़ा विचित्र निशान है जो सूर्य वंश के हर मर्द बच्चे के बदन पर जन्म से ही होता था। क्या कहा? हर बच्चे के बदन पर? मानोगे नहीं पर होता था, सबने देखा है, है ना विचित्र बात। अरे किस सोच में पड़ गए बाबू, अभी और बहुत कुछ देखना है, चलो आओ। ए, तेरे के बच्चे क्या कर रहा है? मुर्गी के बच्चे आ जाते हैं घोड़ा सिधाने के लिए, अंडे से बाहर निकले नहीं के बांग देना शुरू कर देते हैं। बाबू, अड़ियल घोड़े को इस तरह सिधाया जाता है। ये पुराने तरीके हैं भगेल सिंह, इसी तरह अगर कोई ऊंची जाति वाला घोड़ा मचल गया ना तो तुम्हें सीधा कर देगा। नहीं बेटा, प्यार से काम लेना चाहिए। तुझे सुनाई नहीं देता? अरे तुम यहाँ? अरे मारे को तू पहचाने है बाबू? बाजा बजाएगा? अभी बजाता हूँ तेरा बाजा। खिलौने लेगा बाबू? ये बाजा, ये राजा, ये बबुआ, ये जलुआ, ये दुल्हन, ये जोगन, ये चूल्हा, ये दूल्हा, तेरे बच्चे जीवे, बोल क्या क्या दे दूँ। तुझसे रहा नहीं गया ना, मेरी कसम पर भरोसा नहीं था जो यहाँ चली आई मेरे पीछे? ए, मैं थारे पीछे आया कि तुम्हारे पीछे आया? बस बस बस, बहुत हो गया ये नाटक। अच्छा ये बता, ठहरी कहाँ? ठहरी बोले कभी बहरी बोले, तू जावे क्या? रीटा? कौन रीता कौन पपीता, मारा नाम तो जुगनी है, जुगनी। आ हा हा, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती है। अच्छा अब ये बता, ये बच्चे कहाँ से लाई? ए, ए, क्या बोल रहे तू, मारे मरद के बच्चे है? बच्चे कहाँ कहाँ से लावे तेरी औरत? मेरी औरत तो तू है। हाँ, हाँ, पकड़े मारा। अरे अरे मारा मारा, दुलाराम पहलवान है, अभी बुलाती हूँ, तेरा हाथ तोड़ के बाहर में डाल देगा। हाँ अरे बबुआ के बापू, आजा टांग लेके, ये ससुरा मारा हाथ पकड़े है, मारी इज्जत ले में है, ला घेर दे ससुरे की। अरे मारे खिलौने, भाई आज तुम पहली बार हमारा खाना खा रहे हो, आई होप यू लाइक इट। ये मेरी बेटी है रीटा। नमस्ते जी। नमस्ते, ये आपकी बेटी है? अरे भाई बेटी बेटा कुछ भी समझो, मेरे लिए तो यही सब कुछ है। आज शहर से आई है, बैठो। आपके शहर से आने की बहुत खुशी हुई। अच्छा ये बदलाव, तुमने हमारा अस्तबल देखा? कैसा लगा आपको हमारा ये छोटा सा गांव? अच्छा है, खास तौर पर यहाँ की लड़की। क्या हुआ? जी जी वो मच्छर। मसाले की आलू लीजिए ना, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। बहुत अच्छा बनाती हैं। अरे भाई मैं अस्तबल के बारे में पूछ रहा था। अस्तबल में आलू, मेरा मतलब है खटमल मच्छर बहुत है, जैसे गर्ल्स हॉस्टल में चूहे। करेले लीजिए ना। हाँ
करेले तो मैं जरूर लूंगा। अब तुम्हें क्या हुआ? मेरे ख्याल से उधर के खटमल मच्छर इधर आ गए। समझ नहीं आता घर में खटमल मच्छर कहाँ से घुसा है। बुरा ना मानिए, मेरे ख्याल से आप अपने कपड़ों में खटमल मच्छर साथ ले आए हैं। ऐसा कीजिए, अस्तबल जाकर के कपड़े बदल लीजिए। सॉरी डैडी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं जाके कपड़े बदल लेता हूँ। अरे गणपत, दूसरे कपड़े निकालो, कपड़े निकालो भाई, जल्दी करो। नाटक करती है, आंसू बहा रही थी। अब बता, ये खिलौने वाली का क्या चक्कर है? खिलौने वाली? ओ, खिलौने वाली, अच्छा तो वो मिल चुकी है तुमसे? उसकी शक्ल तुमसे बिल्कुल मिलती है, कहीं तुमने तो? अरे, सारे गांव को इस बात पर हैरत है कि वो बिल्कुल मेरी जैसी है। मैं भी यही सोच रहा था कि उसकी शक्ल तुमसे इतनी कैसे मिल सकती है। मुझे क्या मालूम, कुछ भी हो रवि, बहुत तेज लड़की है वो, उससे जरा बच के रहना। बच के रहना? तेरे को नहीं मालूम था कि आधा चना घोड़ों का और आधा हमारा होता है? हुजूर, नए मास्टर का हुक्म है कि आप सारा चना घोड़े ही खाएंगे। उस नए लौंडे का हुक्म मान लिया, हमारा हुक्म भूल गया। आराम खोर, मार मार कर लाश घोड़ों के पैरों पर डाल दूंगा। बोल, किसका हुक्म चलेगा, मेरा या उस पछड़े का? बोल, मेरा हुक्म चलेगा। बाबू, मेरा नाम फिर सुन ले, मैं भगेल सिंह हूँ, बड़े बड़े अड़ियल टट्टुओं की नाल ठोक देता हूँ। तुम मेरा नाम भी समझ लो, रवि सूरज को कहते हैं। मैं अपने सामने आने वाले को जलाकर राख कर देता हूँ। रामलाल, घोड़ों का चारा घोड़े ही खाएंगे, घरे नहीं। तेरी भी नाल ठोक दूंगा। क्या है? जरा हंस दे भी तो बोलूं, इतना सा काम है। कौन हो तुम? तू मेरे को नहीं जाने है, सारा गांव जाने है मेरे को। मैं जुगनी हूँ, जुगनी, खिलौने बेचे हूँ रकम रकम के। ये बता, ये बच्चे तेरे? और नहीं तो क्या, तेरी मेम के हैं। तेरी मेम का नहीं जा रही थी मैं अभी, अच्छा हुआ तू मिल गया। जरा उसको बोल देना कि रविवार तक ना तो मैं उसको बच्चे दे सकूं हूं, और ना ही खिलौनों का टोकरा। मेरा खसम आ गया है ना शहर से, उसको बोलना झोपड़ी पर भी नहीं आवे। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले ये बता, मैम तेरे बच्चे और खिलौने का टोकरा क्यों लेकर जाती थी? अरे मेरे क्या खबर, बोली थी कि किसी नाटक में काम करे है, खिलौने वाली का। मेरे को तो मेरे पैसे से मतलब, एक बखत का 2 रुपया देवे है। हाँ अच्छा, तो नाटक कर रही थी। ए, क्या बात है, आज कन्नी काट कर जा रही है? अरे मैं क्यों कन्नी काटू थारे, मैं तो जाऊँ अपने रास्ते। आज तेरे खिलौने कहाँ है? खिलौने नहीं तो क्या ये लड्डू है? अरे ये नहीं, तेरे वो दो खिलौने, तेरे बच्चे कहाँ है? बच्चे हैं बापू के पास। और बच्चों का बापू कहाँ है? अपने घर में। अरे काहे को झूठ बोलती है, वो तो शहर गया है किसी जंगल में, और तू आई है मुझसे मिलने जंगल में। ए बाबू, जबान तालू में रखकर बात कर। हाँ, मुझे कोई ऐसी वैसी समझे है क्या? अरे तू कैसी है वो तो मैं देख ही चुका हूँ, पर मैं कैसा हूँ एक नजर भर देख तो मुझे, तेरे मर्द से अच्छा हूँ। हाँ। वाह वाह वाह, जरा शक्ल तो देख अपने शीशे में, हट रास्ते से, धंधा खोटा हो गए। अरे अभी खड़ा करता हूँ तेरा धंधा, तेरे सारे खिलौने खरीद लूंगा। हाँ, सब ले लेगा। हाँ, अब ले लूंगा। बोल कितने में देती है? रुपए गिन दे, पूरे 50। दस तेरे की, इतना सस्ते में देती है? अरे दिल ले ले, मारी जान ले ले। आहा, मारे को दिल देवे है, जान देवे है, तू थारी वो मैम को कह देगा? मैम? हाँ। कौन सी मैम?
वही थारी वो जितपिर मेम है ना, वो का वो दीवान जी की बेटी की। वो शहरी मेम से तो जी भर गया है, वो तो खुशबू नकली लगाती है, वो तो बाल नकली लगाती है, उसकी तो हर चीज नकली है। तारी तो हर चीज असली है, तू गांव की गोरी है ना, मेरा दिल आ गया है तुझ पर। हाँ मुझ पर दिल आ गया है ना, मर जात बदजात हर जाए, यही बात चलकर ना थारी वो मेम से कहे सारे बाल नोच नोच के गंजा कर देगी। हाँ अरे मैं कोई उससे डरता हूँ, चल उसके सामने बोलता हूँ चल। अरे मैं क्यों चलूं? अरे डरती है क्या? मैं क्यों डरूं? हाथ छोड़ मारा, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। शोर मचाएगी? हाँ तू शोर मचाएगी। हाँ अरे तू क्या शोर मचाएगी, शोर तो मैं मचाऊंगा। ओ बबुआ के बापू, ओ दूल्हा पहलवान, आजा डाग लेके। उसकी हाथ पकड़ती है, इज्जत लूटती है हमारी, लाश घेर दे इसकी। अरे भाटी का है चोर लुच्ची लफंगी गांव की। जुगनी जुगनी, अरे कहाँ चली गई? कौन हो तुम? अरे वाह, मैंने नहीं पहचाने सुसरी, मैं दुल्ला राम तेरा दुल्ला। क्या? रुक जाओ वहीं, बाहर जाओ। अरे कमाल है, खसम पर हुक्म चलाए, मंगल पहलवान को दंगल में मिट्टी चटिया के आ रहा हूँ, तू कहा समझे है? ले जीत का हाथ तेरे गले में गेर दे। अरे वाह वाह वाह, नई नवेली दुल्हन लागन लगी तू, चल आज जीत की खुशी में तेरे मेरे प्यार की खुशी हो जाए। अरे काहे नहीं चलना। प्लीज फॉर गॉड सेक छोड़ दो मुझे। चार दिन में सुसरी की बुल्ली भी बदल गई, मैम की तरह गिटपट करने लगी है, अब नहीं छोड़ू तन्ने, मंगल को दंगल में चित करे जैसे तन्ने में चित कर दू। देखो दुलारा, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो, मैं दीवान की बेटी हूँ, तुम्हारी बीवी नहीं। अरे मन ने पता है, रवि है ना वो शहर का छोकरा, वो मन ने बोले है दीवान की बेटी तेरी शकल की है। वो तो मैंने झूठ बोला था रवि से, बिलीव मी विश्वास करो मेरा, वो तो मैंने रवि को छेड़ने के लिए झूठ बोला था। मन ने भी तन्ने छेड़ने के लिए झूठ बोला था। तुम? अब तो कोई एतराज नहीं ना? बस बस बहुत हो गया, जुगनी आ जाएगी। अरे तुमने जुगनी बनने के लिए उसे 2 रुपए दिए थे, मैंने उसे दुलाराम बनने के लिए 4 रुपए दिए। बहुत बदमाश हो तुम, लेकिन तुमसे कम। अरे सुन 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 मेरी जान, ए सुन 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 मेरी जान। हाँ सुन मेरी जान, ऐसे ही खो जाए ना प्यार का समां, ऐसे ही खो जाए ना प्यार का समां। सुन 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 मेरी जान, अरे सुन 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 मेरी जान। सुन मेरी जान, ऐसे ही खो जाए ना प्यार का समां, ऐसे ही खो जाए ना प्यार का समां। दिन तो आए जवानी, क्यों ना करे मनमानी, जीने का लेंगे मजा। किसने रोका है तुझको, किसने टोका है तुझको, हमसे जमाने से क्या, हमसे क्यों चले जहां, और हमसे क्यों चले जहां। आ चले जहां तो दिल जले तो दिल चलेंगे तो उठेगा।
मत वाला मौसम उस पे तन्हा दोनों हम कैसे रहेंगे होश में। करेंगे हम सभी अरमान। अभी तक सोए नहीं? बेटी इतनी देर तक घर से बाहर हो तो बाप कैसे सो सकता है? मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं डैडी, क्या आप मेरी इतनी फिक्र करें? तुम छोटी बच्ची नहीं हो, इसीलिए तुम्हारा इस तरह गैर आदमी से मिलना जुलना ठीक नहीं। डैडी तभी बहुत अच्छा आदमी है, मैं उसे प्यार करती हूँ और उसे शादी करना चाहती हूँ। शादी? शादी तो बहुत दूर की बात है, तुम उससे मिल भी नहीं सकती। और याद रखो ये मेरा हुक्म है, सुनने के लिए नहीं, इसे मानना तुम्हारा फर्ज है। तुम माज के बाद उससे कभी नहीं मिलोगी। भाई आज तुम पहली बार हमारा खाना खा रहे हो, आई होप यू लाइक इट। ये मेरी बेटी है रीटा। नमस्ते जी। नमस्ते। ये आपकी बेटी है? अरे भाई बेटी बेटा कुछ भी समझो, मेरे लिए तो यही सब कुछ है। आज शहर से आइए, बैठो। आपके शहर से आने की बहुत खुशी हुई। अच्छा ये बदलाव तुमने हमारा असफल देखा? कैसा लगा आपको हमारा ये छोटा सा गांव? अच्छा है, खास तौर पर यहाँ की लड़की। क्या हुआ? जी जी वो मच्छर। मसाले की आलू लीजिए ना, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। बहुत अच्छा बनाती हैं। आए भाई मैं असफल के बारे में पूछ रहा था। असफल में आलू? मेरा मतलब है खटमल मच्छर बहुत है। हाँ? जैसे गर्ल्स हॉस्टल में चूहे। करेले लीजिए ना। हाँ करेले तो मैं जरूर लूंगा। अब तुम्हें क्या हुआ? मेरे ख्याल से उधर के खटमल मच्छर इधर आ गए। समझ नहीं आता घर में खटमल मच्छर कहाँ से घुसा है। बुरा ना मानिए, मेरे ख्याल से आप अपने कपड़ों में खटमल मच्छर साथ ले आए हैं। ऐसा कीजिए अस्तबल जाकर के कपड़े बदल लीजिए। मैं जाके कपड़े बदल लेता हूँ। अरे गणपत दूसरे कपड़े निकालो, कपड़े निकालो भाई जल्दी करो। नाटक करती है, आंसू बहा रही थी। अब बता ये खिलौने वाली का क्या चक्कर है? खिलौने वाली? ओ खिलौने वाली, अच्छा तो वो मिल चुकी है तुमसे? उसकी शक्ल तुमसे बिल्कुल मिलती है, कहीं तुमने तो। अरे सारे गांव को इस बात पर हैरत है कि वो बिल्कुल मेरी जैसी है। मैं भी यही सोच रहा था कि उसकी शक्ल तुमसे इतनी कैसे मिल सकती है। मुझे क्या मालूम, कुछ भी हो रवि बहुत तेज लड़की है वो, उससे जरा बच के रहना। बच के रहना? तेरे को नहीं मालूम था कि आधा चना घोड़ों का और आधा हमारा होता है? हुजूर नए मास्टर का हुक्म है कि आप सारा चना घोड़े ही खाएंगे। उस नए लौंडे का हुक्म मान लिया, हमारा हुक्म भूल गया। हराम खोर, मार मार कर लाश घोड़ों के पैरों पर डाल दूंगा। बोल किसका हुक्म चलेगा, मेरा या उस पछड़े का? बोल। मेरा हुक्म चलेगा। बाबू
मेरा नाम फिर सुन ले, मैं भगेल सिंह हूँ। बड़े बड़े अड़ियल टट्टुओं की नाल ठोक देता हूँ। तुम मेरा नाम भी समझ लो, रवि सूरज को कहते हैं। मैं अपने सामने आने वाले को जलाकर राख कर देता हूँ। रामलाल, घोड़ों का चारा घोड़े ही खाएंगे, घरे नहीं। तेरी भी नाल ठोक दूंगा। क्या है? जरा हंस दे भी तो बोलूं, इतना सा काम है। कौन हो तुम? तू मेरे को नहीं जाने है, सारा गांव जाने है मेरे को। मैं जुगनी हूँ, जुगनी खिलौने बेचे हूँ रकम रकम के। ये बता, ये बच्चे तेरे? और नहीं तो क्या, तेरी मेम के हैं। तेरी मेम का नहीं जा रही थी मैं अभी, अच्छा हुआ तू मिल गया। जरा उसको बोल देना कि रविवार तक ना तो मैं उसको बच्चे दे सकूं हूं, और ना ही खिलौनों का टोकरा। मेरा खसम आ गया है ना शहर से, उसको बोलना झोपड़ी पर भी नहीं आवे। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले ये बता, मैम तेरे बच्चे और खिलौने का टोकरा क्यों लेकर जाती थी? अरे मेरे क्या खबर, बोली थी कि किसी नाटक में काम करे है खिलौने वाली का। मेरे को तो मेरे पैसे से मतलब, एक बखत का 2 रुपया देवे है। हाँ अच्छा, तो नाटक कर रही थी। डैडी, आप अभी तक सोए नहीं? बेटी इतनी देर तक घर से बाहर हो तो बाप कैसे सो सकता है? मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं डैडी, क्या आप मेरी इतनी फिक्र करें? तुम छोटी बच्ची नहीं हो, इसीलिए तुम्हारा इस तरह गैर आदमी से मिलना जुलना ठीक नहीं। डैडी, रवि बहुत अच्छा आदमी है, मैं उसे प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। शादी? शादी तो बहुत दूर की बात है, तुम उससे मिल भी नहीं सकती। और याद रखो, ये मेरा हुक्म है, सुनने के लिए नहीं, इसे मानना तुम्हारा फर्ज है। तुम मार्च के बाद उससे कभी नहीं मिलोगी। मार डालो इसे, पत्थर मार मार के मार डालो इसे। रुक क्यों गए? इसने तो पागलपन में बच्चों के मुंह से रोटी छीनी है। अरे दुनिया ने तो इसके बच्चे छीन लिए हैं। बरसों से पत्थर ही तो खाती आ रही है जमाने से। रुक क्यों गए? मारो, तुम भी मारो, मारो ना। ये मेरी माँ है, ये तुम्हारी भी माँ हो सकती है, किसी की भी माँ हो सकती है। मारो। बीती है मेरी माँ पर डॉक्टर साहब, आज बरसों के बाद माँ मिली भी तो इस हाल में। शंकर,
जो तुम्हारी माँ पर गुजरी है अगर किसी पत्थर पर गुजरती तो वो भी चूर चूर हो जाता। माँ अच्छी तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? कुछ कह नहीं सकता, मैं पूरी कोशिश करूंगा शंकर, पर एक बात याद रखो, पैसा बहुत लगेगा। पैसे की चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, सौरभ भी मैं अपने आप को बेचकर भी माँ का इलाज करवाऊंगा। पेशेंट इज रेडी सर। ओके सिस्टर। गुलाबो, अगर वो कमीने मुझे मिल जाएं जिन्होंने मेरी मां की ये हालत बनाई है, सौरभ भी उनको चूर चूर कर दूंगा। शंकर, जो कमीने इतने बरसों तक नहीं मिले वो अब कैसे मिल जाएंगे? मिलेंगे, जरूर मिलेंगे गुलाबो। अगर ऐसा ना होता तो भगवान मेरी माँ को मुझसे क्यों मिलाता? मां कसम, जिस दिन वो मिल गए एक एक को तड़पा तड़पा के मारूंगा। अरे धीरे धीरे, जानवरों पर दया दिखाओ भैया, आखिर अपने ही है ना। मारो मत भैया, अपने जानवर है ये। अरे बात बात क्या बात है? दीवान ने हमें बर्बाद कर दिया बाबू। वो हमारी जमीनें भी छीनना चाहता है। दीवान और लाला ने मिलकर हमारे हल बैल छीन लिए, अब हम खेती कैसे करेंगे? अपनी जमीन की ओर देखते हैं तो लगता है मिट्टी हमें कोस रही है। तुम लोग मिट्टी का कोसना देख सकते हो, उसका उपदेश नहीं सुन सकते? तुम लोग मिट्टी को एक दाना देते हो और वो तुम्हें लाखों दाने देती है, और दाने दाने से खलिहान होता है। अब भी तुम लोग एक एक पैसा जोड़ लो तो तुम्हारी जमीनों पर तुम्हारा अपना ट्रैक्टर चल सकता है। ये रहा मेरी तरफ से, अब तुम लोग क्या देते हैं? रवि, रवि कौन होता है गांव वालों को सलाह देने वाला? हम तो उसे समझदार समझे थे, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा चालाक निकला। ट्रैक्टर आएगा तो यहाँ खेती होने लगेगी और गांव वाले हमारे सामने सर उठाने लगेंगे। ट्रैक्टर आएगा तब ना मालिक, हम भी कोई कम लकड़ी से जलने वाले आदमी थोड़े ही हैं, हमारे हाथ भी बहुत लंबे हैं। शहर में मेरा भतीजा शेरू है। खास बात तो है और खास काम से ही आया हूं तेरे पास। अच्छा सुन, वो जो रवि है ना, गांव वालों से पैसा इकट्ठा करके ट्रैक्टर खरीदने आया है, पैसा गायब हो जाना चाहिए। शंकर, मैं एक खास काम से शहर आया हूँ, इस बैग में बहुत माल है, जरा संभाल के रख दो। ले गुलाबो, इसे संभाल के रखते। अरे इसे यहाँ नहीं, कहीं अंदर रख दो हिफाजत से। अरे अंदर बाहर क्या, डरो मत, यहाँ के तो एक तिनके को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। चल खाना खाने से पहले आधा आधा लीटर पेट्रोल मार ले। चल। ए शंकर, तू बड़ा ढीठ है, शर्म नहीं आती तुझे? भूल गया माँ के इलाज के लिए कितने पैसों की जरूरत है? तू इसी तरह हर रोज दारू पीता रहा तो पैसे कहाँ से लाएगा? चोरी करूंगा, खून करूंगा, डाका डालूंगा, लेकिन तेरे पास मांगने नहीं आऊंगा। तू मांगने भी आएगा तो मैं नहीं दूंगी दारू के लिए। चल चल, साइड है, पीछे ही पड़ गई। अरे वो तो अपन अपने दोस्त को खुश करने के लिए बोल रहा था, अब ये लोग आ गए, देखना त्योहार कैसा जमेगा। वाह, Ah!
जल्दी यार, नाश्ता ठंडा हो रहा है भाई। आया शंकर, जरा वो बैग तो निकाल दे। बैग तो यहाँ नहीं है। गुलाबो, ओ गुलाबो। हाँ, क्या बात है? बैग यहाँ रखा था, तूने कहीं और तो नहीं रख दिया? नहीं नहीं, यहीं पे तो था, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। तो फिर कहाँ गया? शंकर ढूंढो प्लीज, शायद तुमने यहीं कहीं रखा हो। मैंने तो पलट कर भी नहीं देखा उसकी तरफ। शंकर बैग दे दो, ऐसा मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा। कहीं चोरी तो नहीं हो गया? चोरी? चोरी करूंगा, खून करूंगा, डाका डालूंगा, लेकिन तेरे पास मांगने नहीं आऊंगा। शंकर, मैंने तुझसे कहा था कि बैग संभाल कर रखो, और तुमने भी कहा था कि यहाँ के तिनके को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर बैग कैसे चोरी हो गया? मुझे क्या मालूम। शंकर देखो, शंकर वो पैसा गरीबों का है, गरीब किसानों ने अपना पेट काट काट कर ट्रैक्टर खरीदने के लिए दिया है। मैं जानता हूँ, जरूरत आदमी से कुछ भी करवा सकती है। वो पैसा दे दो शंकर। तुम ये समझते हो कि वो रुपया मैंने चुराया? हा? शंकर मैं वादा करता हूँ, माँ के इलाज के लिए मैं गांव जाकर अपनी सारी तनख्वाह बेच दूंगा। तुम्हारी माँ मेरी माँ है शंकर, चोरी के पैसों से इलाज करवाओगे माँ कभी अच्छी नहीं होगी। अगर ये बात किसी और ने की होती तो उसकी जुबान खींच देता। अगर ये चोरी किसी और ने की होती तो मैं उसके हाथ तोड़ देता। तू मुझे चोर समझता है? समझता नहीं, तू चोर है। क्या शंकर, चलाट साइड है, इसने मुझे गाली दी है। चोर के अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप आ गए, मेरे 40,000 रुपए और कुछ गहने चोरी हो गए। मुझे सब मालूम हो चुका है। तुम शंकर के घर की तलाशी लो। जी सर। तुम शंकर के ट्रक की तलाशी लो। यस सर। और तुम लोग इस घर की तलाशी लो। ओके सर। हाँ हाँ, तलाशी लो, बड़े शौक से तलाशी लो, यहाँ कौन डरता है। आपको इतना रुपया यहाँ नहीं रखना चाहिए था। मुझे क्या मालूम था इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो भरोसा करके। आप, शंकर की चारपाई के नीचे से ये खाली बैग मिला है। साहब, सीट के नीचे से ये गहने मिले हैं। यही वो गहने, लेकिन इनके साथ 40,000 रुपए भी थे। और कुछ नहीं मिला साहब। गिरफ्तार कर लो इसे। इंस्पेक्टर मैं सच कहता हूँ, ये चोरी मैंने नहीं की है। अगर तुम अब भी मान लो और सारे रुपए वापस कर दो तो मैं अपनी जमानत पर तुम्हें छुड़ा सकता। अरे तू मुझे क्या छुड़ाएगा, तूने तो मुझे फंसाया है। ले जाओ इसे। एक बात सुन, मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने भी अपनी माँ का दूध पिया है तो तेरे गांव में आकर तुझे मारूंगा। अगर मैंने भी अपनी माँ का दूध पिया है तो तुझे गांव में कदम नहीं रखने दूंगा, वही खत्म कर दूंगा। चलो। सुनिए सुनिए, उस बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रुपया अभी तक बरामद नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा। यह रुपया कभी बरामद नहीं होगा। चोरी किसी ने नहीं की है, तुमने की है। तुमने लाला और दीवान से मिलकर हमें बर्बाद किया है। मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं, किसकी कसम खाऊं कि मैं निर्दोषी हूं। अरे दोष तो हम सबका है जो तुम पर विश्वास किया। पैसा लाओ हमारा, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। ट्रैक्टर गया चूल्हे भाड़ में, पैसा लाओ हम लोगों का। अरे देख के क्या हो, मार डालो साले को।
जिंदाबाद। पेट अंदाज, पांव जुड़े हुए। जवान होकर रोता है, कोर्ट मार्शल कर दूंगा। दे दे इनको ट्रैक्टर। ऐन मौके पर आ गए आप, नहीं तो ये लोग मेरी जान ले लेते। मेरे होते हुए किसकी हिम्मत है बेटे, जो तुझे हाथ भी लगा दे। सॉरी बेटे, मैंने होने वाली बहू के सारे गहने इस ट्रैक्टर पे लगा दिए। लो ये ट्रैक्टर, ये तुम सबका है। रवि, हम तुम्हें समझा देना चाहते हैं कि तुमने ट्रैक्टर लाकर दो कौड़ी के किसानों को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया है। आपके खिलाफ? हाँ, हमारे खिलाफ। तुमने उन कमीनों को भड़काया है। तब तो गांव वाले ठीक ही कहते थे, ये लाला तुम्हारा भागीदार है, ये मुखिया, ये पंडित तुम्हारे गुलाम है। गांव में जितना भी जुल्म होता है सब तुम करवाते हो। हम जो चाहते हैं वही करते हैं, और तुम भी वही करोगे जो हम चाहेंगे। दीवान साहब, मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल चाहता है। नहीं कर सकते तुम, तुम हमारे नौकर हो। मैं तुम्हारी नौकरी तुम्हारे मुंह पर मारता हूँ, ये रहा मेरा इस्तीफा। मुंह काला करो अपना, अब तुम इस गांव में नहीं रह सकते। क्यों, ये गांव तुम्हारे पुरखों का है? हाँ हाँ, ये गांव हमारा है, यहाँ की जमीन का चप्पा चप्पा हमारा है, हम यहाँ के राजा हैं। किस ख्वाब में हो दीवान, राजा प्रजा का जमाना गए तो एक युग बीत गया है। ये जमाना उसका है जो मेहनत करता है, पसीना बहाता है, जमीन उसकी है जो हल चलाता है, खेती करता है, तुम जैसे मुफ्तखोरों का नहीं। रवि, तुम्हारे बुरे दिन आ गए हैं। बुरे दिन तो अब तुम्हारे आ गए, क्योंकि अब मैं गरीब किसानों के साथ हूँ। अगर किसी की जमीन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अबे हट। फगेल सिंह, इस गरीब किसानों का साथ देने वाले को ट्रैक्टर के साथ जिंदा दफन कर दो। नाल ठोक दूंगा इस टट्टू की। शाबाश शाबाश। अभी वो हरामजादा रवि अपने ट्रैक्टर के साथ इधर से गुजरेगा, ये गड्ढा रवि और उसके ट्रैक्टर की कब्र बन जाएगा। और इसे अच्छी तरह से ढक दे ताकि रास्ता एकदम साफ दिखे, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। चलो चलो, जल्दी करो, खेचो खेचो। शाबाश शाबाश, संभाल कर। हाँ लाओ, ढक दो। छुड़ गए। अरे बछड़े, देखा हमसे टकराने का हशर। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे तू बचेगा तब ना। ये ले। ये ले। अबे छछुंदर, तू बच के जाएगा कहां। तू गांव वालों के लिए ट्रैक्टर लेकर आया था ना बाबू, देख मैं तेरे ट्रैक्टर के लिए खालिस पेट्रोल लेकर आया हूँ। ना ट्रैक्टर रहेगा ना तू, इस ट्रैक्टर के साथ ही तेरी चिता जलेगी और गांव वालों को खबर तक नहीं होगी बाबू। बड़े
अफसोस की बात है बाबू कि तेरी चिता को आग भी मुझे ही देनी पड़ेगी, क्योंकि ना तो तेरी माँ का मालूम है और ना ही तेरे बाप का। दूसरों के लिए खड्डा खोदता है, एक दिन वो खुद खड्डे में गिर जाता है। हाँ हाँ बराबर देती हूँ। लेकिन तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? हाँ मेरे पास कहाँ से आएंगे, तुझसे ही लिए हुए पैसे बचा बचा के रखे थे। तू मुझसे लड़ता था ना कि रोटी के पैसे ज्यादा लेती हूँ, आज वही काम में आ रहे हैं। देख काका कितने सारे जेवर हैं। क्या बहुत माल है तेरे पास? हाँ मेरे पास बहुत माल है, बहुत माल है। आए हाय मैं मर जावा, तू कितना सोना गबरू जवान है। सच पूछ तो मैं उस शंकर से ही डर के तुझसे कन्नी काट रही थी। गुलाबो अब तो मैंने शंकर की कन्नी काट दी, अब क्या डर? अरे अंदर करा दिया साले को। क्यों फेंकता है बड़ी बड़ी? शंकर को तो उस छोकरे और उसकी मेम ने अंदर कराया है। अरे वो क्या अंदर कराएंगे उसे, तेरी कसम गुलाबो उसे अंदर मैंने कराया, मैंने। अरे चोरी भी मैंने की, मैंने। ये माल उसी चोरी का है। बोल पहना दूँ ये गहने? पहना दे, पांव से शुरू कर। अरे पांव से गुलाबो मैं मर जावा, अरे मैं मर जावा। अरे तेरे पांव तो गुलाब के फूलों जैसे। क्या हुआ? पाँव में खुजली हो रही थी। खुजली? हाथ से शुरू करना। आते, आते। चल उठ मामा। मामा आजा। गुलाब आप ले चल। आजा मैं यहाँ हूँ। गुलाब माँ का दूध पिया था कभी? सबके सामने बोलेगा कि नहीं कि चोरी तूने की है? बोल। बोलूंगा बोलूंगा। चाचा। अब चाचा तो क्या, तुझे दादा भी याद आएगा। कुत्ते चाचा, पाए लागू चाचा, पाए लागू। भतीजे तू क्यों आ गया यहाँ? अरे तुम्हारी शरण में आया हूँ। काहे को आया मेरी शरण में? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले इतना समझ, जैसे शंकर घर आएगा उसे ये पता चलेगा कि चोरी मैंने की, वो मेरी तलाश में निकलेगा। चलो
तुम्हें आया उस्ताद, जरा चेहरा बहुत जरूरी बात बतानी है। जय हिंद उस्ताद। गुलाबों से कह देना मैं उस रवि की छुट्टी करने जा रहा हूँ। मैंने भी अपनी माँ की कसम खाई है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। याद है शंकर, मैंने तुझसे कहा था कि मैं तुझे गांव के रास्ते में मारूंगा। और मैंने भी ये कहा था कि अगर मैंने अपनी माँ का दूध पिया है तो तुझे तेरे गांव में आकर मारूंगा। आज तेरी खैर नहीं, तुझे तेरी मौत लेकर आई है मेरे पास। मौत तो तेरी आई है। दूसरी गोली तुम्हारे सीने के पार हो जाएगी। जाना मुझे, मैं शंकर हूं। कौन शंकर? याद कीजिए, आज से 25 साल पहले शिव के मंदिर में मैंने अपने छोटे भाई को आपके हवाले किया था। कुछ याद आया? तुम वही लड़के हो? हाँ फौजी चाचा, मैं वही हूँ। बरसों से मैं अपने छोटे भाई को ढूंढ रहा हूँ। कहाँ मेरा छोटा भाई? बताओ ना, कहाँ मेरा छोटा भाई? जिसे तुम जान से मारना चाहते थे वही है ये तुम्हारा छोटा भाई। कौन? रवि? हाँ फौजी चाचा, शंकर। रवि, यही है तेरा बड़ा भाई शंकर। रवि, मेरे भाई, जिन हाथों से मैंने तुझे गोद में उठाया वही हाथ तेरी जान लेना चाहते थे। मैं इन हाथों को बाकी नहीं रखूंगा, इन हाथों को दूंगा मैं। नहीं भैया, ये हाथ तोड़ने के लिए नहीं, बिछड़े भाई को गले लगाने के लिए हैं। मुझे माफ कर दे मेरे छोटे भाई,
मुझे माफ कर दे। देख माँ, मैं छोटे को ले आया हूँ। तूने छोटे को मेरे हवाले किया था ना, देख मैं उसे ले आया हूँ। देख माँ। माँ, माँ मैं तेरा छोटा हूँ, देख मेरी तरफ। मैं तेरे प्यार, तेरी ममता के लिए तरसता रहा। मेरे सर पर हाथ रख दे माँ। आज तेरे दोनों बेटे तेरे सामने हैं माँ, हमें गले लगा ले। मत रो, तुम्हारी माँ तुमसे बिछड़ गई है ना, मेरे दोनों बच्चे भी मुझसे बिछड़ गए हैं। पर देखो मैं तो नहीं रो रही हूँ। माँ, मैं तेरा शंकर हूँ, ये तेरा छोटा है। हाँ माँ, हम दोनों तेरे बेटे हैं। नहीं हाँ, तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, मेरे बेटे तो छोटे से हैं, एक इतना और एक इतना सा। कहाँ है मेरे बेटे? माँ, वो दोनों भूखे हैं। भगवान के लिए बताओ कहाँ है मेरे बेटे, कहाँ है मेरे बेटे, कहाँ है? माँ जी, आप आराम कीजिए, आप आराम कीजिए। प्लीज आप लोग बाहर जाइए। भैया, क्या आपको बिल्कुल याद नहीं कि कौन थे वो लोग जिन्होंने मां का ये हाल किया? मुझे एक एक की शक्ल याद है, एक एक की कही हुई बात याद है। कुछ याद नहीं है तो वो गांव याद नहीं है। अगर मुझे वो गांव याद आ जाए तो मैं उन सबको कुत्तों की मौत मार डालूं। वो पंडित, वो लाला, पंडित, मुखिया, लाला, उन्हीं तीनों की झूठी गवाही से वो हरामजादे दीवान ने हमारी लाखों की जायदाद पर कब्जा किया। दीवान? हाँ, उस दीवान ने हमारी मां को जलील करके उसे गांव से बाहर निकाल दिया। पिताजी का क्या नाम था? कुंवर रतन सिंह। मां कहती थी हम सूर्यवंशी राजाओं के खानदान से हैं। बाबू, ये बड़ा विचित्र निशान है जो सूर्यवंश के हर मर्द बच्चे के बदन पर जन्म से ही होता था। ये सारा जुल्म दीवान ने किया था। उस नमक हराम ने एक रानी को भिखारन बना दिया। उस रात माँ हम दोनों को मंदिर में छोड़कर हमारे लिए रोटी लेने गई थी। बड़ी भयानक थी वो रात। उस तूफानी रात में हम शाख से टूटे हुए पत्तों की तरफ बिखर गए और तकदीर के अंधेरे हमारी माँ के जहन पर और हमारी जिंदगी पर अभी तक छाए हुए हैं। भैया, ये अंधेरा हटने वाला है, मैं उगते हुए सूरज को देख रहा हूं, जिसके उजाले में मां के दामन पर लगा हुआ दाग मिट जाएगा। वो गांव, पंडित, मुखिया, लाला, दीवान, उन सबको जानता हूं मैं। क्या तू जानता है? कहां है वो लोग, बता मुझे, मैं उन हरामजादों को तड़पा तड़पा के मारूंगा। नहीं भैया, उनको मारने से हमारा बदला पूरा नहीं होगा, हम उनको उनके हथियार से मारेंगे, जिस तरह हमारी माँ जिंदगी भर अपने बेटों के लिए तड़पती रही है, उसी तरह वो दीवान भी अपनी बेटी के लिए तड़पेगा। रीटा, कहाँ जा रही हो? रवि के पास। मैं रवि के बिना नहीं रह सकती, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। सुनो, तुम जिसके लिए हमें छोड़कर जा रही हो वो तुम्हें नहीं, हमारी दौलत से प्यार करता है। वो सारी जायदाद से तुम्हें महरूम कर देगा, तुम्हें ठुकरा देगा। डैडी, मैं रवि के लिए सब कुछ ठुकरा सकती हूँ। रीटा, मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ, रुक जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तुमने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। आपने भी प्यार देखा है लेकिन प्यार की जिद नहीं देखी। मैं जाऊंगी। बघेल सिंह, पकड़ लो इसे, पकड़। डैडी, ले जाओ, ले जाकर इसे बंद कर दो। छोड़ दो, गोदाम में बंद कर दो इसे। छोड़ दे, बंद कर दो दरवाजा।
फेंक पत्ता। अरे आकाश आ गया, हम चले। आपकी बच्ची चल अंदर। तेरी बेटी मेरे कब्जे में है, मैंने अपना बदला लेने के लिए उसे गायब किया है। अब मुखिया लाला और पंडित की बारी है। कुंवर रतन सिंह की पत्नी लाजवंती, लाजवंती मुखिया कौन आ गया इस वक्त? रात को भी चैन नहीं लेने देते मुखिया। उधर कहाँ जा रहा है मुखिया? तेरी मौत तो यहाँ खड़ी है। कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ मुखिया। आज से परसों पहले तुम एक पंचायत में पंच थे। एक बेसहारा औरत और दो मासूम बच्चों की तकदीर का फैसला किया था तुमने। झूठी गवाही देकर याद आया? कौन औरत, कौन बच्चे, किसकी बात कर रहे हो तुम? कुंवर रतन सिंह की पत्नी और उसके बच्चों की बात कर रहा हूं, याद कर। कुंवर रतन सिंह की बीवी और बच्चे? इंसाफ का खून तू इस प्याले में भर कर पीता है। तूने सच्चाई की पीठ में खंजर भौंका है। अरे पंच तो परमेश्वर होता है और तू परमेश्वर की गद्दी पर बैठा राक्षस है। और मैं राक्षस का सर कुचलने आया हूं। आज से बरसों पहले भरी पंचायत में कुंवर रतन सिंह के परिवार के खिलाफ तूने झूठी गवाही दी थी, भूल गया क्या? अरे असल तो मैं बाद में वसूल करूंगा, अभी तो मैं सिर्फ ब्याज वसूल करने आया हूँ। अरे कमीने, चल इसी वक्त चल मेरे साथ। कहाँ चलता है? जहाँ असल वसूल करना है। अरे राम, अरे राम। जल्दी से जल्दी महाराज।
दीजिए, फट जाएगी महाराज, ये महाराज ये खुल जाएगी महाराज। खुले या रहे, अब तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। दीवान, तेरे तीनों कबूतर मेरे जाल में हैं। अब तेरे पालतू कुत्ते भगेल सिंह और उसके चमचों की बारी है। लाजवंती। बोल भगेल सिंह कहाँ है? बोल। टकराने से डॉक्टर साले की नाल। भगेल सिंह से टकराने आया था, अभी ठोकता हूँ तेरी नाल। बोल। नाल तो मैं तेरी ठुकूंगा। छोड़ दो शंकर को वरना। ए छोड़ दो उसे। भगेल सिंह की भी नाल ठुक गई दीवान। लाजवंती। अब तुम दोनों की नाल ठोकता हूं। बुलवाएगी तुझसे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तेरे बाजू कट चुके हैं, अब कोई हथियार काम में नहीं आएगा। अगर अपनी बेटे की जिंदगी चाहता है तो खंडर में आके मिल मुझसे। लाजवंती। रीता, रीता, रीता।
राजवंती। माँ इसने छीने हैं तेरे बेटे, पूछ इससे तेरे बेटे कहाँ हैं। नहीं नहीं मैंने नहीं छीने इसके बेटे। बोल कहाँ है मेरे बेटे। मैं नहीं जानता। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, बता कहाँ है मेरे बेटे, बोलता क्यों नहीं, कहाँ है मेरा शंकर, कहाँ है मेरा छोटा। माँ मैं हूँ तेरा छोटा। माँ मैं हूँ तेरा शंकर। बताओ मेरी बेटी कहाँ है। तुम्हारी बेटी किसी नदी नाले में डूबकर मर चुकी होगी। दीवान मैंने उससे शादी करके सुहाग रात को उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मैं तेरी खाल खिंचवा दूंगा। खाल तो तेरी खींचेगी अब। ये कुंवर जी की पत्नी है, हम इनके बेटे हैं। बेटे हमारा हक हमें वापस दे दे दीवान। तुम्हारे हक का फैसला तो भरी पंचायत में बरसों पहले हो चुका है। दीवान इन छूटों की गवाही की वजह से हुआ था वो फैसला। असली फैसला आज होगा। कान खोल कर सुन लो, ये कुंवर साहब की पत्नी है और ये दोनों उनके बेटे हैं। नहीं नहीं ये दोनों जालसाज हैं। इस औरत के पागलपन का फायदा उठाकर ये सबकी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। लेकिन मैं इस झांसे में आने वाला नहीं। इस बात का क्या सबूत है कि दोनों कुंवर साहब के बेटे हैं। इसका सबूत तो ऊपर वाला ही देगा, जिसे तुम जैसे जालिम हमेशा भूल जाते हैं। आज भगवान खुद सच और झूठ का फैसला करेंगे। भगवान जमीन पर आएगा क्या। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तब भगवान जमीन पर नए नए रूप लेकर आता है। आज वो इस उगते हुए सूरज का निशान बनकर आएगा जो सूर्यवंश के हर बेटे के बदन पर होता था। इधर देखो निशान, ये देख भगवान का रूप। अब बोल कौन जालसाज है, कौन झूठा है। हमारी माँ के साथ किए हर अत्याचार का बदला लेना है तुझसे। तूने हमारी माँ को जीते जी नरक में चलाया है। उसके एक एक दुख एक एक आंसू का हिसाब लेना है तुझसे। ठहरो, पहले मेरे एक एक दुख एक एक आंसू का हिसाब दो। बेटी मैं अपना हक मांगने आई हूँ। मैंने रवि के प्यार पर उसकी वफा के वादों पर एतबार किया और आपकी मर्जी के खिलाफ मैंने अपना घर बार धन दौलत सब कुछ छोड़कर इससे शादी की। शादी, लेकिन इसने मुझे जलील करके घर से बाहर निकाल दिया। बकवास कर रही हो तुम, मैंने कब की तुमसे शादी। हा? कल शिव मंदिर में इन गवाहों के सामने। बोलिए पंडित जी, आपने कल रात हम दोनों का लगन करवाया कि नहीं। बेटी मैंने कब लगन कराया तुम्हारा। आप भी तो वहीं थे। मैं वहाँ कहाँ था। क्या मुखिया जी आप बोलिए, कल रात आप मंदिर में नहीं थे। मैं तो महीनों से मंदिर नहीं गया। हरामजादो क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों मेरी इज्जत मिट्टी मिला रहे हो, मेरी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों क्यों क्यों। भगवान से डरो, भगवान से डरो। देख माँ एक राक्षस आज भगवान की दुआई दे रहा है। याद कर आज से 25 साल पहले तू भी इसी तरह चिल्ला रही थी। बहु बेटियों वालों भगवान से डरो, भगवान न करे तुम्हारी बहु बेटियों पे ये वक्त आए। तू भी भगवान की दुहाई दे रही थी माँ। तुमने एक बेबस बेसहारा औरत का हक छीना है, अत्याचार किया है इन बेजुबानों पर, भगवान की मार पड़ेगी तुम पर। और ये बहु बेटियां वाले तुझे आवारा और बदचलन कह रहे थे माँ। ये कोई चरित्रहीन औरत है मुखिया जी, इस कलंकनी को यहाँ से निकाल देना चाहिए। तू भी कह रही थी तरस खाओ मुझ पर मेरे बच्चों पर, और ये सब तुझे धुतकार रहे थे। जब लगन ही नहीं हुआ तो बच्चे कैसे हरामी होंगे।
रवि, अपनी माँ पर किए गए जुर्म का बदला तुम मुझसे मत लो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुमने अग्नि के सामने मुझसे फेरे ली। माँ, मेरा बाप गुनेगार है मगर मैं तो नहीं हूँ, मुझे अपनी बहू स्वीकार कर लो माँ। कौन बहू, किसकी बहू? कोई बहू नहीं है मेरी माँ की, तुम मेरी कोई नहीं है। नहीं बेटी, इतना जुल्म मत करो, इसे मत ठुकराओ। भगवान के लिए सारी दुनिया के सामने एक बेबस बेसहारा औरत का अपमान मत करो। भगवान न करे इसे भी वही भुगतना पड़े जो मैंने भुगता है। छोटे, देख माँ को होश आ गया। शंकर, माँ ठीक हो गई। रीटा, शुक्रिया तुम्हारा, अगर तुमने साथ ना दिया होता तो माँ ठीक नहीं होती। कहाँ है मेरे पति? बोल, कब निकले? कहाँ गायब किया उन्होंने? बोल नमक हराम, बोल कर क्यों नहीं? बोल, बोल, बोल तो क्यों नहीं? बोल तो क्यों नहीं? बोल, बोल। मैं कुंवर जी कुमारा, मैंने कुंवर जी के बाप को भी मारा, मैं राजा हूँ, राजा सूर्यवंशी, राजा सूर्यवंशी, राजा सूर्यवंशी, राजा बादर बॉम्ब राजा होशियार, हम सूर्यवंशी राजा हैं। कहाँ है हमारे दरबारी, कहाँ है हमारे सिपाही, कहाँ हैं? अब कहाँ का राजा मालिक, अब तो नाल ठुक गई।